गाइज, इट्स मी अनिर्बन एंड बैक हियर विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एगारो की तरफ से एक कार वैक्यूम क्लीनर, जिसको मैं अनबॉक्स करूंगा और हमारे कार पे इसको यूज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्लीनिंग वगैरह होते हैं, क्योंकि जो बाहर का एरिया है, बाहर का सरफेस है कार का, बहुत ही इजीली हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो भी मतलब चीजें वगैरह है, जैसे कि इनसाइड द कार, जैसे कि मैट के नीचे, उसके बाद जो कप होल्डर्स है उसके अंदर, वो सारे जगह पर हमको रीच आउट करने में थोड़ा दिक्कत होता है नॉर्मली क्लीनिंग करने के टाइम, या उधर तक हम पहुंच ही नहीं सकते तो क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो इन दैट केस मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एगारो कार वैक्यूम क्लीनर। तो इसके साथ ये वाला बैग भी आता है जिसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा रिव्यू भी है Amazon में, जिसके लिए मैंने इसको परचेज किया था और सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। बहुत ही एक अच्छा सा डिवाइस है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में क्लीनिंग होता है कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। As you can see that I have ordered this package from Amazon. तो Amazon में इसका बहुत ही अच्छा रेटिंग मेरे को देखने को मिला और मैंने सोचा कि चलो ये वाला ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू, रेटिंग और सारे कुछ भी स्पेसिफिकेशंस मेरे को अच्छे लगे और जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया है उन्होंने भी एक अच्छा मतलब पॉजिटिव सा फीडबैक प्रोवाइड किया था इसके ऊपर। उसके साथ साथ अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से आप ज़रूर जाके परचेस कर सकते हैं। ऊपर की साइड में एगारो का ब्रांडिंग दिया हुआ है और इधर आपको 5.5 kPa सक्शन पावर देखने को मिल जाएगा आपको, इधर फॉर ड्राई यूज ओनली, और ये आप कार में यूज कीजिए क्योंकि ये ओनली यूज फॉर कार, जैसे कि आप देख पा रहे इधर लिखा हुआ है कि कार वैक्यूम क्लीनर, और इसका मॉडल है HVC1081 और इसे पोर्टेबल तो है ही बहुत। और इसके साथ साथ आपको इसमें 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा और टोटल जो वाट्स है वो है 110 वाट्स का। इस साइड में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह प्राइस वगैरह दिए हुए हैं और इस साइड में भी आपको सेम ही डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और इधर साइड में अगर हम थोड़ा मतलब ध्यान से देखें तो इधर आपको 1.15 मीटर का एक पावर कॉर्ड देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट सिस्टम पूरा जो आप देख पा रहे हैं, इधर आपको 0.5 लीटर का डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। वो कॉपर वाइंडिंग मोटर बेसिकली यूज किया गया है जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। डिवाइस है वो आपको ABS प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेगा और इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इधर दिया हुआ है कि मेन यूनिट जो आपका मेन वैक्यूम क्लीनर है, साथ साथ आपको फ्लेक्सिबल होस पाइप, उसके साथ साथ आपको नोजल देखने को मिलेगा, साथ में आपको मल्टीपर्पज ब्रश, पावर कॉर्ड एंड अ कैरी बैग भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से भी अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया था और मैंने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था एगारो का प्रेशर पंप के ऊपर, जो कार वॉशिंग पंप है, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे को, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एगारो का और भी एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो कार वैक्यूम क्लीनर है ये बहुत ही पोर्टेबल सा है और बहुत ही लाइट वेट सा मेरे को एट अ फर्स्ट ग्लांस जो देखने को मिला, बहुत ही लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है। और तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये है मेन डिवाइस, उसके बाद जो मैंने साइड में रखा उसका वो है फ्लेक्सिबल पाइप। इसमें आपको एक अटैचेबल ब्रश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप बहुत ही इजीली कार के वेंट्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं। और आपको एक नोजल पाइप भी देखने को मिलेगा जिधर से आप कोई सा भी डिफिकल्ट एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आपको एक चार्जिंग केबल और उसके साथ साथ एक ब्रश जो आपको फिल्टर को एकदम अच्छे से क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो और ये जो चार्जिंग जो कॉर्ड है वो भी मतलब लगभग अच्छा ही देखने को मिला मेरे को, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा ही है। और ये वाला डिवाइस आपको 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, आपको चाहे तो आप यूज़र मैनुअल भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सारे जो भी डिटेल्स वगैरह है कैसे इसको फिट किया जाता है सारे मैं आपको इन डिटेल में बताऊँगा और कौन सा पार्ट किधर यूज़ करना है, कैसे इसको मतलब आप किन किन जगहों पर कैसे फिटिंग्स को करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं वो सारे कुछ मैं बताऊँगा। इसमें आपको एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, उधर से वारंटी क्लेम भी कर सकते हैं। तो सारे कुछ चीज़ें और लास्ट में आपको एक बैग देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एक वारंटी कार्ड जिसको आप स्कैन करके आप वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। सारे कुछ भी चीज़ें दिए हुए हैं और ये जो बैग का जो सिस्टम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो उसके लिए सोचा कि एक पोर्टेबल बैग होने के कारण क्या होगा कि आप इजीली इसको कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कोई सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और बैग का भी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मेरे को देखने को मिला।
डिवाइस को बॉक्स से निकालने के बाद ही आप देख पाएंगे कि बैटरी इंडिकेटर की जगह पे एक स्टिकर लगा हुआ है, उसको आपको पहले रिमूव कर देना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको रिमूव करने के बाद जब भी आप इसको ऑन करेंगे डिवाइस को, तब आप बैटरी का इंडिकेटर चेक कर सकते हैं, उधर मार्किंग्स दिए हुए रहते हैं। आपको पीछे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और जो पोर्टेबल जो वैक्यूम क्लीनर है देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाइट वेट सा देखने को मिला। और अगरो का सिग्नेचर कलर ब्लैक और ऑरेंज में हमको सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ वो वाला गोल वाला बटन को अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप ऊपर के लिड को ओपन कर सकते हैं, और फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसके अंदर आपको एक फिल्टर देखने को मिलेगा जिसको आप चाहे तो उस ब्रश से मतलब क्लीन कर सकते हैं, और नहीं तो आप वाटर का यूज़ करके भी इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो एक्सटेंडिंग जो पाइप है ये बेसिकली आपके माउथपीस के साथ लगा सकते हैं, जो वैक्यूम क्लीनर के माउथपीस है उधर से आप इसको फिक्स करके थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल सा एक पाइप हमको देखने को मिलता है। इसका बेसिकली काम ही ये है कि इसका थोड़ा मतलब लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना, और उसके साथ साथ आपको ये ब्रश देखने को मिलेगा जिससे आप आपके एसी वेंट्स को गाड़ी के, उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको सारे जो भी मैट्स वगैरह होते हैं, मतलब जो भी मतलब सीट के सारे जगह होते हैं उधर आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। और इसका चार्ज देना भी बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली इसके पोर्ट में इसको लगा देना है और आपको सिंपली चार्ज देना है। और इसके साथ में आपको और एक एक्सटेंडिंग नोजल देखने को मिलेगा, ये वाला बेसिकली आप उस वाले फ्लेक्सिबल पाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा इंक्रीज करना है लेंथ। इससे आप आपके कप होल्डर्स और सारे जगह पर क्लीन कर सकते हैं जो आप मैनुअली नहीं कर पाते, तो इसके लिए ये दिया हुआ है बेसिकली। तो आप देख पाएंगे कि उसके अंदर आपको एक मतलब वन वे ओपनिंग वाल्व देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ एक ही जगह से मतलब ओपन होता है, मतलब एक ही साइड पर। तो जैसे कि जब भी धूल डस्ट वगैरह अंदर की तरफ जाएंगे उसके बाद बाहर नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए वो वाला सिस्टम किया गया हुआ है। और ऐसे करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इन डिटेल कि कैसे इसको क्लीन कर दिया जाता है। तो पहले मैं आपको इसको एक बार चला के दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी इसका दो इंडिकेटर दिखा रहा है बैटरी का, जब भी आप इसको ऑफ करेंगे ये ऑफ हो गया, उसके बाद फिर से जब आप ऑन करेंगे आपको ये शो करेगा कि कितना बैटरी परसेंटेज आपका रिमेनिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर अभी सिर्फ दो मार्किंग अभी शो हो रहा है, तो मतलब अभी जो है बैटरी मतलब आधा आधा हो चुका है। तो आपको इसको चार्ज भी दे सकते हैं आप। तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया है देखने के लिए इसका सक्शन पावर कैसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा A4 साइज़ पेपर कोई बहुत ही अच्छे से मतलब आपके और मतलब खींच के रख सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी टेस्टिंग वगैरह किए इसका सक्शन को टेस्ट करने के लिए, और टू माई सरप्राइज़ बहुत ही अच्छे से काम करता है और कोई सा भी मतलब नॉइज़ का इशू वगैरह नहीं है ज़्यादा। ये छोटा मोटा नॉइज़ तो होता ही रहता है, मतलब आप भी जब भी मतलब वैक्यूम क्लीनर यूज़ करेंगे, लेकिन कोई सा भी ज़्यादा नॉइज़ वगैरह नहीं है इसमें, और अपना काम बहुत ही सिंपली वे में और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। इसको जब आपका यूज़ हो जाएगा तब इसको आप चार्ज पे देके छोड़ सकते हैं। जब ये फुल चार्ज रहेगा तो आप लगभग मतलब आधा घंटे तक एकदम कंटिन्यूस बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। और सक्शन पावर तो बहुत ही बढ़िया मेरे को देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू दी अदर वैक्यूम क्लीनर्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं हमारे घर के अंदर। इंटीरियर जो भी आप देख सकते हैं उधर मतलब जो गंदा हो चुका था हमारा कार, तो उसको लिए हम इसको मतलब क्लीन करने के लिए सोचे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर मतलब चारों जगह पे मतलब कचरा ही कचरा था, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है। और कार को बहुत बार यूज़ करने के बाद इसको एक बार क्लीन करना ज़रूरी है जैसे कि उसको अच्छे से आप मेंटेन कर पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं पहले जो ब्रश है उससे सीट को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, जैसे कि इधर सीट के जो सर्फेसेस है उधर आप ये ब्रश को यूज़ करके ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐसे स्लाइड डाउन करना है और ईजिली ये इसका जो मोटर है वो सारा जो डर्ट पार्टिकल्स है उसको अच्छे से मतलब सक कर लेता है। और आपको एक चीज़ मतलब मेक श्योर करना है वो है कि आप सारे ड्राई सर्फेसेस के ऊपर इसको यूज़ कीजिए, बेसिकली कार के अंदर कोई भी वेट सर्फेसेस के ऊपर इसको यूज़ मत कीजिए। इससे आपके कार के एसी वेंट्स को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एसी वेंट्स, उसके बाद जो डैशबोर्ड है आपका जो कंसोल है उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और जिस जिस जगह पे आप मतलब जो डेलिकेट जगह होते हैं उससे आप ब्रश को यूज़ कीजिए, जो डेलिकेट जगह है उधर आप ब्रश को बेसिकली ऐसे ऐसे जेंटली मूव कर सकते हैं जैसे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आप गियर नॉब के चारों तरफ आप इसको अच्छे से मतलब क्लीन कर सकते हैं, जो
मतलब ज्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब गंदा हो जाता है, तो आप ऊपर की सर्फेसेस में जैसे कि जो डैशबोर्ड है उधर की जगह पे भी आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। जो ब्रश है उससे आप बेसिकली सारे मतलब अच्छे जगह को मतलब क्लीन कीजिए, जो मतलब सोफिस्टिकेटेड जगह होते हैं कार के, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील के आसपास, और उसके साथ साथ आप वेंस को भी क्लीन कर लीजिए। तो पहले आप इस टाइप की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस वाले ब्रश को थोड़ा चेंज करने के बाद आपको जो लंबा वाला नोजल है इससे आपके कार के जो मैट्स वगैरह है वो क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये सारे जो पूरा जो मैट है, जो ड्राइवर सीट के नीचे वाला मैट है वो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बार बार मतलब कार में जो ड्राइवर है वो बैठता है उतरता है तो उसके लिए गंदा होता है। और जो भी मतलब सर्फेसेज है जैसे कि जो कप होल्डर्स है और डोर के जो भी गैप्स वगैरह है, जो पॉकेट्स है, उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इस वाले नोजल से, क्योंकि ये लंबा होने के कारण आप कहीं पर भी इसको मतलब अच्छे से क्लीन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैट के जगह पे, उसके साथ साथ जो भी मतलब सीट्स है उनके मतलब गैप्स के अंदर भी आप इसको डाल के मतलब क्लीन कर सकते हैं। और हमारे कार में एक बेसिकली एक सनशेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विंडो सनशेड बोलते हैं उसको, उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इस वाले नोजल से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बहुत ही अच्छे से थोड़ा मतलब प्रेस एंड होल्ड करके क्लीन कीजिए, और पीछे वाला जो पार्सल ट्रे है उसको भी आप अच्छे से क्लीन कीजिए। और क्लीन करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इधर आप देख पाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारा जो गंदा जो चीज़ें वगैरह है वो आ चुका है, और इसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा मतलब पूरा क्लीनिंग करने के बाद इतना सारे मतलब धूल मतलब फिल्टर से निकले, तो उसके बाद आपको इसको सिंपली वॉश आउट कर लेना है जो फिल्टर है, और उसके साथ साथ जो नोजल वगैरह है, पाइप्स वगैरह है, उसको आप अच्छे से एक बार क्लीन कर सकते हैं जैसे कि ये अच्छे रहे। उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछ लेने के बाद फिर से इसको एज इट इज़ जो प्रीवियस वाला आपने लगाया था पूरा एकदम सेम टू सेम इसको फिक्स कीजिए, और आप बैग के अंदर डाल दीजिए। जैसे कि ये बैग बहुत ही पोर्टेबल है और इसको आप बहुत ही जगह पे मतलब कैरी कर सकते हैं, और आपके ग्लोव बॉक्स में भी ये आसानी से फिट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से आप इसको फिट भी कर सकते हैं। And so hope you guys liked and enjoyed this video, and if you liked it, do share this video with your friends, relatives and family members whom you know who are thinking of buying this kind of car vacuum cleaner for their cars for their internal deep cleaning purposes. You can share this video as well with them so that they can get a clear idea which particular car vacuum cleaner to buy, और इसमें मैं सारे जो भी चीज़ें डिस्कस किया हूँ उनसे भी उनको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पार्ट्स है इसका, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, किधर किधर हम इसको यूज़ करके क्लीनिंग कर सकते हैं जो हम नॉर्मली नहीं क्लीन कर सकते, सारे मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। एंड सो होप यू गाइज लाइक एंड एन्जॉयड दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर इट एज वेल, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू बाय इट एंड क्लीन योर कार टू इट्स फुलेस्ट।